तो बेटा आप लोगों को लेसन 3 तक मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें हमने लेयर्स पढ़ा था। ठीक है बेटा, अपना ना वॉल्यूम कम कर लेना मोबाइल्स का। ठीक है, तो लेयर्स में कोई डाउट है? लेयर्स बनाना आ गया आप लोगों को? लेयर्स में जितने भी ऑपरेशंस थे वो आप लोग को आता है? कंटिन्यूअस लाइन, जिगजैग लाइन, इनविजिबल लाइन, सब कुछ समझ में आ गया लेयर्स में आपको? ठीक है, लेयर्स का नाम कैसे देते हैं, लेयर्स का कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं, और लेयर्स न्यू कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोग को आ गया है? ठीक है, अब इस वाले क्लास में आपको, पिछले क्लास में अभिजीत सर ने आपको स्नैप सिखाया होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप, रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जितना हो पाए उतना देखेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को सबको ऑटोकैड दिख रहा है? ठीक है बेटा, न्यू क्लिक करने पे वही टेम्पलेट खुल जाएगा, इस टेम्पलेट पे हम काम करते थे। ठीक है, आप लोगों को वैसे ही पता है व्हाइट मोड, डार्क मोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे स्नैप। ठीक है, तो लेसन 4 है आपका, इसमें आपको दिख रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट स्नैप, यूज रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है बताओ? किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, किसी फिगर का ज्योमेट्रिक सेंटर, सर्कल का टेंजेंट। ठीक है, ये सब अपने आप आपके कर्सर को वहां पे ले जाने से अपने आप उस पॉइंट को वो कैच कर ले, ताकि आपको ड्रॉइंग करने में सुविधा हो। ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने का 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो नीचे तो टास्क बार है आपका, उससे बनाना, या फिर ड्राइंग पे ही शिफ्ट और राइट क्लिक से करना ये चीज। ठीक है, तो दोनों तरीके हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेटा लेसन 3 में आपको याद होगा मैंने आपको इंक्रीमेंट स्नैप सिखाया था, जिसमें क्या है, अगर आपको 3 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में, या 9 के मल्टीपल में, किसी भी नंबर के मल्टीपल में अगर आपको फिगर बनाना है, तो आपका जो कर्सर है वो अपने आप उस मल्टीपल्स में वैल्यूज को कैच करेगा आपके पूरे ग्राफ में। आपको सिखाया था मैंने इंक्रीमेंट स्नैप। ठीक है, तो वो स्नैप अलग है, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहला राइट क्लिक करके, शिफ्ट और राइट क्लिक करके कैसे हम ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तभी तो मैंने कहा बेटा उसको वॉल्यूम कम कर दो अपने मोबाइल का। ठीक है, सबसे पहला क्या है, यू मस्ट सेलेक्ट अ कमांड सच एज लाइन, कोई भी कमांड हो, चाहे लाइन हो, चाहे सर्कल हो, कोई भी एक कमांड हो, ताकि वो वाला फिगर बनाने के बाद आप उस फिगर के अंदर स्नैपिंग कर सको, स्नैपिंग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सको। ठीक है, तो क्या लिखा है, यू मस्ट सेलेक्ट अ कमांड सच एज लाइन बिफोर यू कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्नैप व्हाइल होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की। बेटा शिफ्ट की प्रेस द राइट माउस बटन, द मेन्यू इज शोन बिलो। इसमें देखो ये आपको मेन्यू दिख रहा है आपको, ये मेन्यू आपको दिख रहा है, इसमें देखो दिख रहा है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है बेटा। तो ये सब जो पॉइंट्स है, आप जैसे ही किसी भी लाइन के एंड पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे जैसे ही कर्सर ले जाओगे, अपने आप वो उसका एंड पॉइंट, मिड पॉइंट कैच कर लेगा आपका कर्सर, और वहां से आप लाइंस को या कोई भी फिगर को बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो लाइन कमांड पहले, ठीक है, लाइन क्या बोलो, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब शिफ्ट और ये आपको दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो पहले लाइन कमांड, फिर शिफ्ट और राइट क्लिक, क्या बोल रहा है बेटा, एंड पॉइंट। ये देखो बेटा, एंड पॉइंट अपने आप पकड़ने लग गया बेटा, दिख रहा है आपको, अपने आप एंड पॉइंट पकड़ने लग गया वो, क्लिक किया फिर हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे यहां से एक लाइन बनानी है इसके एंड पॉइंट तक। ठीक है, कैसे बनाऊंगा मैं, लाइन कमांड, फिर शिफ्ट दबाओ और एंटर दबाओ, क्या लिखा है बेटा, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मिल गया इसका, एंड पॉइंट इसका ही मिल गया, फिर से शिफ्ट, फिर से एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मिल गया मुझे इसका। ठीक है, अब समझ लो मुझे इस वाले लाइन, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन के मिड पॉइंट से कोई लाइन बनानी है, कैसे बनाएंगे बेटा, लाइन कमांड, शिफ्ट, राइट क्लिक, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिल गया बेटा, मिड पॉइंट का फिगर क्या है बेटा, सिंबल क्या है मिड पॉइंट का, ट्रायंगल। अब इसके मिड पॉइंट पे जाना है मुझे, फिर से शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक, मिड पॉइंट, आ गया बेटा मिड पॉइंट, हो गया, आया समझ में, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ये वाला तरीका समझ में आया, जिसमें हम शिफ्ट दबा के
मिड पॉइंट या एंड पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, बेटा इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पे दो लाइंस मिलते हैं या क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब समझ लो मुझे, इन दोनों इसके और इस लाइन के बीच का इंटरसेक्शन जो है, यहां से एक लाइन बनानी है, ठीक है। कैसे बनाऊंगा बेटा? लाइन कमांड शिफ्ट फिर इंटरसेक्शन, दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है बेटा इंटरसेक्शन, जो क्रॉस बन गया है और लिखा भी आ रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है। लिखा है ना, यहां से लाइन बनाया, ठीक है। और समझ लो मुझे इसके एंड पॉइंट तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये लाइन बनाया, ठीक है। अब इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक जाना है, समझ लो इसके एंड पॉइंट से मुझे इसके मिड पॉइंट पर जाना है। कैसे जाऊंगा? लाइन कमांड एंटर शिफ्ट एंड पॉइंट, सबसे पहले इसका एंड पकड़ लिया मैंने, अब मुझे इसके मिड पॉइंट पर जाना है। राइट क्लिक मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो इसका मिड पॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है अभी, ठीक है। अब समझ लो मुझे इस लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन, मुझे इस लाइन के, इन तीनों लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ना है, ठीक है। अगर मुझे तीनों लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ना है, कैसे जोड़ूंगा मैं? लाइन कमांड, एक मिनट, लाइन कमांड शिफ्ट बटन राइट क्लिक, क्या बोला मैंने? मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आ गया, इसका मिड पॉइंट नहीं आ रहा है, राइट क्लिक मिड पॉइंट, आ गया मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट पे जाना है, राइट क्लिक मिड पॉइंट, आ गया मिड पॉइंट। तो बेटा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में मिड पॉइंट एंड पॉइंट इंटरसेक्शन, ये तीनों समझ में आ गए आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, समझ लो मैंने एक सर्कल बनाया है, अब सर्कल के सेंटर से मुझे एक लाइन बनानी है। सेंटर बेटा, ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं बेटा, ज्योमेट्रिक सेंटर पॉलीगन्स के लिए या रेक्टेंगल के लिए या स्क्वायर के लिए होता है। अगर आपको सर्कल के सेंटर से कुछ बनाना है, तो आपको स्नैप मोड में सेंटर सेलेक्ट करना है। कैसे? देखो सबसे पहले लाइन कमांड फिर शिफ्ट राइट क्लिक, ये वाला बेटा दिख रहा है सेंटर आपको, अगर फिगर दिखेगा इसका, एक सर्कल है और बीच में एक गोला है ऑरेंज कलर का, सेंटर। अब जाओ एक मिनट, वो क्यों नहीं रहेगी? देखो बेटा, आपको समझ में आता है टेंजेंट क्या है? टेंजेंट क्या होता है? जो एक लाइन ऐसा जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे, कहां पे? सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो अब समझ लो हमें टेंजेंट बनाना है, इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। इस सर्कल का हमें दो टेंजेंट बनाना है, क्या करेंगे बेटा? लाइन कमांड शिफ्ट बटन राइट क्लिक टेंजेंट, ठीक है। देखो बेटा ये गोला दिख रहा है आपको, ये सिंबल क्या है? एक सर्कल है और सर्कल को एक ग्रीन लाइन टच कर रही है एक ही पॉइंट पे, हो गया। अब दूसरा टेंजेंट क्या करें बेटा? राइट क्लिक टेंजेंट, आ गया टेंजेंट बेटा। बेटा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शिफ्ट बटन आपको दबाए रखना है, ठीक है।
टेंजेंट फिर से बताता हूं बेटा, लाइन कमांड, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाए रखो, राइट क्लिक, टेंजेंट आया, टेंजेंट यहां पे, फिर से राइट क्लिक, टेंजेंट आ गया, हो गया बेटा, आया समझ में? बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? हाँ, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कितने डिग्री से कितने डिग्री जाते हो आप? 0 to 90, फिर 90 to 180, 20 to 70, 70 to 360, ठीक है? अब देखो बेटा, आपने बर्फी देखी है? बर्फी बर्फी क्या रोम्बस टाइप का होता है ना? अगर इस सर्कल के अंदर मैं सारे क्वाड्रेंट्स के पॉइंट को जोड़ दूं, एक बर्फी बन जाएगा इसके अंदर। तो बेटा अगर ऐसा कोई डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाते हैं बेटा उसको? देखो, लाइन कमांड, ठीक है, शिफ्ट बटन दबाए रखो, राइट क्लिक, ये देखो बेटा क्या दिख रहा है, क्वाड्रेंट। और इसका सिंपल देखो ध्यान से, एक सर्कल है और उसमें चार पॉइंट्स मार्क्ड है ऑरेंज कलर में, वो क्या है? वो क्वाड्रेंट के नोडल पॉइंट्स है बेटा। दबाओ क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट आया बेटा। सिंबल क्या है? तिकोना, बर्फी का सिंबल है। फिर अब मुझे यहां पे क्वाड्रेंट ढूंढना है, कहां पर होगा? फिर से क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट, फिर यहां पे ढूंढना है, फिर से क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां पर आ गया क्वाड्रेंट, और फिर इसको फिर से क्वाड्रेंट और यहां पे जोड़ दिया। समझ में आया? लाइन में मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन वाले ऑब्जेक्ट स्नैप समझ में आ गए? सर्कल में सेंटर, टेंजेंट और क्वाड्रेंट, ये वाली स्नैपिंग समझ में आ गई? कोई डाउट है? ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कैसे हम राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ये तो हमने कैसे किया, शिफ्ट दबा के और राइट क्लिक करके किया, ठीक है? अगर हमको शिफ्ट नहीं दबाना, राइट क्लिक नहीं करना, हमें चाहिए कि अपने आप जैसे मैं कर्सर को ले जाऊं वैसे वैसे वो क्वाड्रेंट को, टेंजेंट को, सेंटर को, मिड पॉइंट को, एंड पॉइंट को अपने आप बताते रहे मुझे। इसके लिए कैसे करेंगे बेटा? ये देखो बेटा, ये दिख रहा है बेटा, क्या लिखा है? स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट। इसके नीचे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ है बेटा। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन या ऑफ आप यहां से कर सकते हो, ठीक है? ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन या ऑफ करने का एक कीबोर्ड बटन भी होता है, क्या लिखा है उसपे? F3 लिखा हुआ है बेटा, क्लिक करो बेटा, स्नैप मोड ऑन हो गया। हमें क्या क्या चाहिए? अगर आप इस स्नैप मोड को राइट, यहाँ पे इसके राइट में देख रहे हो बटन ट्रायंगल साइज, को क्लिक करोगे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा। सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, टेंजेंट भी ले लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये सेम फिगर को बिना शिफ्ट, बिना राइट क्लिक करे बनाएंगे, ठीक है? चलो, तो सर्कल, एक मिनट, ये बनाया सर्कल हमने, ठीक है। अब लाइन कमांड, क्वाड्रेंट वाला बना रहे हैं बेटा हम। बेटा राइटली यूज करना पड़ा मुझे, नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्नैपिंग नीचे से ऑन कर रखी है। बट बेटा इस मेथड का एक डीमेरिट है, क्या डीमेरिट है बेटा, दिखाता हूं। लाइन कमांड यूज किया,
अब देखो बेटा यहां पर एंड पॉइंट भी आ रहा है बट यहाँ पे क्वाड्रेंट भी आना चाहिए, है कि नहीं? और बेटा टेंजेंट भी चाहिए। देखो कभी कभी आ रहा है क्वाड्रेंट वाला, कभी आ रहा है इंटरसेक्शन वाला, कभी आ रहा है एंड पॉइंट वाला। देखो एंड पॉइंट कैसे दिखाता है ये स्क्वायर से, क्वाड्रेंट कैसे दिखा रहा था ये रोम्बस वाले शेप से, और इंटरसेक्शन कैसे दिखाया इंटरसेक्शन क्रॉस वाले शेप से। तो बेटा ये सबके सब एक साथ दिखा रहा है, ठीक है? एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट आपका किसी लाइन का एंड पॉइंट भी हो सकता है। दो देखो अगर दो लाइन से जुड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है, दोनों लाइन का एंड पॉइंट भी यही है और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन भी यही है, और इस वाले डायग्राम में जहां दो लाइन मिल रहे हैं वहां पर सर्कल का क्वाड्रेंट भी यही पॉइंट है। एक ही पॉइंट तीन या चार रोल प्ले कर रहा है, कर रहा है, ठीक है? जब हमने स्नैप को नीचे से ऑन किया, एक ही पॉइंट पे आपको क्वाड्रेंट भी आ रहा है, कभी कभी वो एंड पॉइंट दिखा रहा है, कभी इंटरसेक्शन दिखा रहा है। कंफ्यूज हो सकती है ना? पॉइंट से मतलब है, ठीक है, बट हमको अगर जब वहां पे समझ लो कोई नौसिखिया देख रहा है उसको, ठीक है, उसको क्वाड्रेंट पे जाना है, वो ले गया लाइन को वहां, बट वहां पे आ रहा है इंटरसेक्शन का सिंबल, उसको पता है वहां पे क्वाड्रेंट है, उसको अगर ये नहीं ज्ञान है कि वहां पे तीन सिंबल इधर दिख सकते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है? इसलिए हमको हमको जिस पॉइंट से मतलब है उसी के सिंबल आए वहां पर, उसके लिए शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक करो, अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ करो। अगर आपको सारे कमांड ऑलरेडी पता है, सारे सिंबल ऑलरेडी पता है, आपको पता है कि इस पॉइंट पे तीन चार सिंबल एक साथ आ सकते हैं, आपको पता है, तो आप स्नैप कोड ऑन करो, अपने आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बेटा लाइन कमांड यूज किया, अब टेंजेंट टू टेंजेंट, देखो मैं टेंजेंट आ नहीं पा रहा है, देख रहे हो आप ये, यहाँ पे जब मैं ले जा रहा हूँ टेंजेंट ढूंढ रहा हूँ, टेंजेंट टेंजेंट पर मुझे मिल नहीं रहा है, मिल रहा है क्या मुझे? मिल पा रहा है वो टेंजेंट पॉइंट? क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कर्सर खुद कंफ्यूज है कि मैं किस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। जब मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करता हूँ और टेंजेंट दबाता हूँ तो मेरे कर्सर को पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट पॉइंट ही ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? बट यहाँ पर वो मुझे ये भी दिखाएगा, मुझे इसका मिड पॉइंट भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, बट टेंजेंट नहीं दिखा पा रहा है वो, दिखा पा रहा है क्या? नहीं दिखा पा रहा है टेंजेंट वो मेरे को, ठीक है? उसके लिए क्या करूंगा, मैं स्नैप मोड को ऑफ करूंगा, फिर से लाइन कमांड शिफ्ट कंटिन्यूसली दबाओ, टेंजेंट कहां पर है ये रहा, अब मुझे मिल रहा है टेंजेंट आराम से, अब मुझे यहां पे कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना बेटा, ना मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट आ रहा है, ना मुझे इस लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट पॉइंट्स बता रहा है वो, है कि नहीं? इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होगी इस कर्सर को, ठीक है? यहां पर आए, फिर राइट क्लिक किया, फिर टेंजेंट आ गए, ठीक है? तो कुछ कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसके लिए शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू स्नैप मोड को ऑन करना, ठीक है? एक और तरीका है, अगर आपको सिर्फ टेंजेंट देखना है, शिफ्ट नहीं दबाना, राइट क्लिक नहीं करना और फिर भी टेंजेंट चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के, उसका भी तरीका है क्या? स्नैप कोड ऑन करो, इस वाले इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, एंड पॉइंट बंद कर दो, मिड पॉइंट बंद करो, सेंटर बंद करो, रिवर्ट सेंटर बंद करो, क्वाड्रेंट बंद करो, एक्सटेंशन बंद करो, इंटरसेक्शन बंद करो, बस टेंजेंट ऑन रखो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ऑन रखो, ठीक है? अब दबाते हैं लाइन का, टेंजेंट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं टेंजेंट पॉइंट? क्या एंड पॉइंट आ रहा है लाइन का? नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा ना, तो बस टेंजेंट दबाओ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? बेटा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग केस में जितने भी ऑप्शंस है, समझ में आ गए आपको? अब बेटा एक और ऑप्शन है इसमें, एक है सेंटर और एक है ज्योमेट्रिक सेंटर। इसका अगर आप सिंपल ध्यान से देखो, सेंटर में बना हुआ है एक सर्कल और उसका सेंटर दर्शा रहा है वो, उसका मतलब क्या है? सर्कल के सेंटर की बात हो रही है, ठीक? इसमें देखो बेटा क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और बीच में एक ऑरेंज पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगल या पॉलीगन या स्क्वायर के सेंटर की बात हो रही है, ठीक है? समझ में आया? तो देखते ज्योमेट्रिक सेंटर क्या करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं बेटा यहाँ पे, रेक्टेंगल बनाना तो आता है बेटा,
रेक्टेंगल बनाना आता है ना? अब बेटा इस रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर से हमें कोई लाइन बनानी है, ठीक है? दो तरीके हैं, या तो इस वाले स्नैप बोर्ड्स को ऑफ कर दो, लाइन कमांड शिफ्ट ज्योमेट्रिक सेंटर, एक मिनट रुको, लाइन कमांड ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढना पड़ेगा इसका, इसको मिल क्यों नहीं पा रहा है? आपको दिख रहा है बेटा ये फर्स्ट पॉइंट कहां पर है इसका? ग्रीन, आपको ग्रीन डॉट में गोला दिख रहा है और नीचे क्या बता रहा है वो? ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है बेसिकली? किसी भी रेक्टेंगल का या पॉलीगन का मिडिल मोस्ट पॉइंट। सेंट्रोइड पढ़ा था आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वही चीज है ये, ठीक है? तो अब देख लेते हैं और कौन से कमांड्स हैं बेटा। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, क्वाड्रेंट, टेंजेंट, समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, इसमें एंड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट क्या करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर क्या करता है? ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ कैसे करते हैं ये सब यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है? आपको ऑलरेडी पता है ग्रिड को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, ऑर्थो बोर्ड पता है आप लोगों को? ऑर्थो बोर्ड मैंने बताया था, ऑर्थो बोर्ड पे क्या होता है, भूल गए क्या? हाँ ठीक है, अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूं, ये है ऑर्थो मोड, ठीक है? और अब मैं अगर लाइन बनाता हूं तो लाइन मेरा हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है? देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस बना रहा है, ठीक है? और उसके साथ वहां पे एंड पॉइंट और मिड पॉइंट, एक लाइन का एंड पॉइंट दूसरे लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ रहा है, ठीक है? कैसे करेंगे बेटा ये वाला एक्सरसाइज? देखो सबसे पहले दो लाइन बनाएंगे बेटा, एक लाइन ये बन गया, दूसरा लाइन ये बन गया, ठीक है? अब लाइन कमांड शिफ्ट कंटिन्यूस दबा शिफ्ट, फिर एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट आ गया बेटा, इसके एंड पॉइंट से हमें इसका मिड पॉइंट जोड़ना है। चलो एक मिनट, ऑर्थो मोड ऑफ करूँ। हाँ अब इसके मिड पॉइंट जोड़ना है इसको, इसका एंड पॉइंट मिल गया हमको, अब इसके एंड पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट पे जाना है, शिफ्ट दबाए रखा है हमने, राइट क्लिक, मिड पॉइंट आ गया बेटा, फिर इसके एंड पॉइंट पे पहुंचना है हमको, फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड पॉइंट, हो गया बेटा।
आ गया समझ में? दो पैरल लाइंस बनाए हमने और वहां से हमने एक पैरल लाइन के एंड पॉइंट को दूसरे लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ा और फिर उसके मिड पॉइंट को पहले वाले लाइन के एंड पॉइंट से जोड़ा, ठीक है? तो ये हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग से करा, ठीक है? एंड पॉइंट मिड पॉइंट वही सेम चीज लिखी हुई है बेटा, ये आप देखना। उसके बाद है रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप। रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप कुछ नहीं है बेटा, यही है जो मैंने यहां बताया आपको, ये वाला ऑप्शन क्लिक करके यहां से आपके अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप बिना राइट क्लिक और शिफ्ट बटन दबाए भी स्नैपिंग कर सकते हो, ठीक है? तो यही वाली चीज जो मैंने ऊपर करी अभी इस दो लाइन के बीच में, वो मैं दिखाता हूं आपको बिना शिफ्ट और राइट क्लिक को दबाए, ठीक है? अब हमें इसका एंड पॉइंट चाहिए, इसके एंड पॉइंट पे आए, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा और फिर इसके एंड पॉइंट को जोड़ा। देखो बेटा आउटपुट सेम ही है बट तरीका डिफरेंट था, ठीक है? वही सेम चीज करी इनने, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग समझ में आ गया बेटा। इसके बाद है जूम कमांड। जूम क्या होता है बेटा? फोटो खींचते हो, जूम करते हो, तो बेटा वैसे ही जूम करने का ऑप्शन यहां पर भी है, ठीक है? देखो बेटा वैसे तो आप किसी भी चीज को जूम स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन से कर सकते हो, ठीक है? पर आपको कोई एक सर्टेन एरिया को एनलार्ज करके देखना है, ठीक है? तो उसके लिए हम जूम कमांड यूज करते हैं। पता लगा कैसे किया मैंने? देखो ZOOM जूम दिख गया। सबसे पहला ऑप्शन दिखा, एंटर दबाओ। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ विंडो। विंडो मतलब क्या है? किसी भी फिगर में छोटा सा अगर हमें उस फिगर को एक रेक्टेंगल में एनक्लोज कर दे तो उसी एरिया को जिसको आपने रेक्टेंगल में एनक्लोज किया है उसको जूम करके दिखाएगा वो। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ विंडो। जैसे आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाते हो, फर्स्ट कॉर्नर और सेकेंड कॉर्नर मतलब रेक्टेंगल के डायगनल्स के फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को जब आप ऑप्शन चूज करते हो रेक्टेंगल बन के आता है, वैसे ही यहां पर आपको एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाना है जिसके आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट डायगनल का आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, ठीक है? फिर सेकेंड पॉइंट जूम हो गया, जूम डाउन करो। उसके बाद अब इस रेक्टेंगल को करना है हमको, ठीक है? तो ZOOM जूम क्लिक किया। अब देखो बेटा ऐसा भी हो सकता है आपको किसी एक स्क्वायर का, किसी एक फिगर का भी छोटा सा पार्ट आपको जूम करना है। समझ लो मुझे ये जो मेरा मेरा सर्कल बनाया है, समझ लो मुझे इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जूम करना है, ठीक है? कैसे करूंगा? ZOOM जूम, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर। ये जूम हो गया, आ गया बेटा, आया कि नहीं? जूम कमांड समझ में आया? ठीक है बेटा, जूम करने का सिर्फ और सिर्फ जूम कमांड लिखने से होता है, और भी कई और तरीके होते हैं जूम करने के, ठीक है? वो हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है? तो क्या लिखा है बेटा? जूम कमांड इज यूज्ड टू मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट, ठीक है? जूम कमांड लोकेटेड ऑन द नेविगेशन पैनल ऑफ द व्यू टैब। नेविगेशन पैनल कौन सा है बेटा? सबसे ऊपर जो टैब होता है, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, इन सब का होता है बेटा। तो उसी में आपका एक व्यू टैब है जिसमें आप जूम को ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है? क्या लिखा है? सेलेक्ट द व्यू टैब, देन राइट क्लिक ऑन एनी पैनल एंड सेलेक्ट शो पैनल्स, एक्टिवेट द नेविगेट पैनल, ठीक है? क्या बोल रहा है बेटा? व्यू नेविगेशन पैनल, और दिख रहा है नेविगेशन पैनल बेटा? नेविगेशन पैनल अभी ऑफ हो गया है, अब सेलेक्ट किया मैंने, ऑन हो गया नेविगेशन पैनल, ठीक है? अब इसमें बेटा ये देखो फुल नेविगेशन व्हील पैन जूम, जूम दिख रहा है बेटा? दिख गया, मैं सेलेक्ट किया जूम, ठीक है? इसमें क्या हुआ बेटा? इसने बाहर कर दिया। जूम एक्सटेंड क्या होता है? मतलब जितना भी आपका ड्राइंग का एक्सटेंट है उसको पूरा जूम
जूम आउट करें ताकि आपको पूरे के पूरे ड्राइंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एक साथ दिख जाए। क्या मतलब, देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे देखना है मेरे पूरे ड्राइंग शीट में कितने एलिमेंट्स मैंने अभी तक बना लिए हैं। नेविगेशन पैनल में जाओ, क्या लिखा है, जूम एक्सटेंड्स। मेरे को सारे एलिमेंट दिख रहे हैं अब, तो बेटा ये किससे होता है, बेटा जूम एक्सटेंड से, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, जूम एक्सटेंड। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जूम विंडो। देखो बेटा स्क्रीन पे अपने, सबसे पहला ऑप्शन क्या था, जूम एक्सटेंड्स। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा ड्राइंग शीट दिखता है आपको, जितने भी एलिमेंट्स आपने अभी तक बनाए हैं सब दिखता है। उसके बाद जूम विंडो, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर, जूम हो गया बेटा। तो ये वही चीज है जो आपने पहले किया था, जूम दबाकर भी यही चीज होती है, ठीक है। तो यही चीज आपको इस वाले से होता है, ठीक है, जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, ठीक है, रियल टाइम इंटरैक्टिव जूम, मतलब ये वाला रियल टाइम जूम जो हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके यू कैन मूव इन एंड आउट बाय मूविंग द कर्सर वर्टिकली अप व्हाइल प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन टू स्टॉप प्रेस एस्केप। क्या बोल रहा है बेटा, देखो जूम रियल टाइम करो, क्या हो रहा है बेटा, ये अगर मैं लेफ्ट माउस बटन दबाकर माउस को ऊपर कर रहा हूं तो ये जूम इन कर रहा है, और अगर मैं लेफ्ट माउस बटन दबा के माउस को नीचे कर रहा हूं तो ये जूम आउट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा, जूम रियल टाइम, ठीक है। इसको हम बंद कर सकते हैं बेटा, कोई भी कमांड को बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं हम, एस्केप बटन, ठीक है। तो बेटा ये आपका जूम कमांड था जो मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग एंड जूम पे कोई डाउट है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बेटा है ड्राइंग लिमिट्स। ड्राइंग लिमिट्स जैसे बताते हैं बेटा, देखो ड्राइंग लिमिट इसलिए होता है, समझ लो आपको ये वाला जो शीट है इस शीट का प्रिंट लेना है, ठीक है। अब बेटा अगर आपको A4 साइड में प्रिंट लेना है, A4 साइज का कितना होता है विड्थ, 210 mm एंड हाइट 297 mm, ठीक है। अगर आपको अपना ऑटोकैड का ड्राइंग लिमिट करना है कि मैं इससे बाहर ना जाऊं, ना मेरी ड्राइंग की विड्थ 210 mm से आगे जाए, ना मेरी ड्राइंग की हाइट 297 mm से आगे जाए, तो कैसे करते हैं बेटा इस चीज को, लिमिट से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, When drawing with a computer, you must set up your drawing area just as you would set your drawing board if you were drawing with pencil and paper. You must decide what size of paper you will need. बेटा जब आपने ED करा था first sem में, आपने क्या बोला था कि A3 sheet चाहिए या A2 sheet चाहिए, आपने जब भी drawing board के ऊपर अपनी sheet रखी थी, क्या आपने कभी sheet से बाहर drawing करी थी, नहीं करी थी, आपने sheet के अंदर ही borders बना के drawing किए थे। बेटा सेम चीज ऑटोकैड में करने के लिए आपको ड्राइंग लिमिट्स सेट करनी पड़ती है। जो भी आपके शीट का आपका प्रिंटर नॉर्मली A4 साइड पेपर में प्रिंट करता है, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे प्रिंटर्स हैं जो A2, A3, A1 साइज में भी प्रिंट करते हैं। समझ लो आपको ड्राइंग जो बना रहे हो आपको A2 साइज में प्रिंट करनी है, तो आप ड्राइंग लिमिट्स में उसका लेंथ और उसकी विड्थ आप A2 साइज में लिखोगे, ताकि आपका A2 साइज के लिमिट से क्रॉस ना हो कभी। समझ में आया, तो ड्राइंग कंसिडर द ड्राइंग लिमिट्स एज द साइज ऑफ पेपर यू विल बी ड्राइंग ऑन, ठीक है। अगर आप वैसे भी एमएम पे काम करते हैं हमेशा, तो 297 mm क्रॉस 210 mm हमको लिमिट सेट करनी पड़ेगी अपने ड्राइंग की, अगर हमको अपना ड्राइंग जो है A4 साइज शीट में प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटा, स्टार्ट अ न्यू ड्रॉइंग यूजिंग जो टेम्पलेट हमारा है, ठीक है, सेट सेलेक्ट अ ड्रॉइंग लिमिट्स कमांड बाय टाइपिंग लिमिट्स एंड प्रेस एंटर, ठीक है। तो उसके बाद आपको दो चीजें बतानी है, एक तो उसका वाई लिमिट और दूसरा उसका एक्स लिमिट। तो बेटा ऑटो कैड में अगर A4 साइज शीट के लिए करना है तो एक्स लिमिट क्या होगी, 297 mm एंड वाई लिमिट 210 mm, ठीक है। कैसा होगा बेटा देखो, पहले तो न्यू ड्रॉइंग खोलते हैं, ये न्यू ड्रॉइंग खुल गई बेटा, लिमिट्स कमांड क्या बोल रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर की लिमिट क्या होगी, ठीक है, ये
जीरो होनी चाहिए बेटा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर जीरो होगा ना, एंड अपर राइट लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा? देखो हम एक न्यू ड्राइंग खोलते हैं जिसमें हमारी ऐसा रेक्टेंगल ना बना हो, ठीक है? ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा ड्राइंग खुल गया बेटा, जिसमें हमें नहीं पता भाई लिमिट्स कहां पर है। अपर राइट कॉर्नर क्या होगा बेटा? अगर आपका हाइट है 297 mm, ठीक है, और विड्थ है 210 mm, तो 210 mm एंड 297 mm यही होगा बेटा। तो आपका एक्स एक्सिस क्या है? 297, तो 297 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर टैब दबाया, वाई क्या है? 210, एंटर, ठीक है। तो आपका लिमिट इसी में होगा, आपके इससे बाहर ड्राइंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। हमारा लिमिट सेट हो चुका है। क्या लिखा है बेटा देखो, सेलेक्ट ड्राइंग लिमिट कमांड बाय टाइपिंग लिमिट्स एंड देन प्रेस एंटर, द फॉलोइंग कमांड विल अपियर, कमांड लिमिट रीसेट मॉडल एक्सेट्रा, टाइप द एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 0 एंड प्रेस एंटर, ठीक है। उसके बाद आपका 12 और 9, ये क्यों है? क्योंकि हमारा इंच में है। एक मिनट रुको, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लिमिट हो चुका है अब, ठीक है। अगर आप इससे बाहर कभी भी ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग आपका नहीं बनेगा। तो अभी हमारे रेक्टेंगल बनाना है, समर सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, अब इसके अंदर आपको जो भी आपकी ड्राइंग बनेगी इसी लिमिट्स के अंदर बनेगी। 210 उसकी हाइट होगी और 297 उसकी विड्थ होगी, ठीक है। बेटा ये आपका लिमिट्स वाला था। लिमिट्स पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम आपके ड्राइंग शीट को एक स्पेसिफिक साइज में उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपग्रेड आप ऑन ऑफ करना आपको आता है ऑलरेडी आपको, ठीक है। अगर आपको ग्रेड ऑन एंड ऑफ करना है तो आपको ऑलरेडी आता है ये चीज, ठीक है।
अच्छा फिर देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिमिट किया था, हमने लिमिट क्लिक करके 210 mm एंड 297 mm क्लिक किया था, बट हमारा ग्रेड्स हमको हमारे लिमिट से बाहर भी दिख रहा था कि नहीं पहले। अब मैंने क्या किया, हमने ग्रिड को ऑफ कर दिया लिमिट्स के बियॉन्ड, तो हमें समझ में आ गया हमने सर्कल बनाया था वो हमने लिमिट से बाहर बनाया था। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इस पे जाओ, न्यू ड्राइंग, ठीक है, कोई भी ड्राइंग सेलेक्ट करो, एक क्या सेलेक्ट किया मैंने फिर से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है हमको, लिमिट्स क्या बोल रहा है बेटा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड 0, 0, फिर कॉमा दबाओ, अपने आप अगले में चला जाएगा, 0 हो गया, एंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 297, कॉमा अपने आप चला गया अगले में 210, हो गया एंटर। अब लिमिट सेट हो गई, पर हमारा ग्रिड लिमिट से बाहर भी ये जा रहा है कि नहीं। तो बेटा ग्रिड को कैसे हम कंट्रोल करें कि ग्रिड हमारा सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के विदिन आए, कैसे करें, दो तरीके हैं, या तो आप 210 mm एट 297 mm का एक ट्रायंगल बना लो और उसके अंदर ड्राइंग करो जो हम पहले कर रहे थे, इस वाले में यही तो कर रहे थे हम, ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के अंदर ही काम कर रहे हैं, या फिर आप ग्रिड को लिमिट कर दो। कैसे, देखो बेटा ये दिख रहा है आपको ग्रिड बोर्ड, राइट क्लिक, ग्रिड सेटिंग्स, अब क्या लिखा है, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, ये लिखा हुआ है, इस पे टिक लगा हुआ है, मतलब जो हमने लिमिट सेट की है उससे भी बाहर के ग्रिड्स दिखाइए, बट हमें ही नहीं चाहिए, तो इसको अनटिक कर दो बेटा। ओके, अब क्या दिख रहा है बेटा, ग्रिड्स हमें सिर्फ एक डिफाइंड लिमिट्स के बीच में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अब जैसा रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बना लो आप, जैसा रेक्टेंगल उस टेम्पलेट में बना हुआ था वैसा रेक्टेंगल आप बना सकते हो। 1 मिनट, बन गया रेक्टेंगल, जैसा रेक्टेंगल इस टेम्पलेट में बना हुआ है वैसा रेक्टेंगल हमने यहां बना लिया, बस हमारी लाइन की थिकनेस कम है। ठीक है, क्या किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर 210 mm हाइट का लाइन बनाया, फिर 297 के विड्थ का लाइन बनाया, फिर 210 हाइट का लाइन बनाया, फिर से 297 का लाइन बनाया। तो इस तरीके से ये टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसपे हम अभी तक काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आज ऑब्जेक्ट स्नैपिंग देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग लिमिट्स एंड ग्रिड को बियॉन्ड लिमिट्स ऑन ऑफ कैसे करें वो देख लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक हम क्लास रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे जाएंगे, लेसन नंबर 5 में।